हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। आखिर 2 वर्षों बाद स्कूल्स में शुरू हुआ मिड डे मील। आखिर 2 वर्षों के बाद जिला ऊना में कक्षा प्रथम से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स में बुधवार से मिड डे मील उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कोरोना काल के दौरान कभी स्कूल खुले तो कभी बंद हुए। जब स्कूल खुले तो विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल रहा था। इस दौरान विद्यार्थियों को घरों से ही भोजन लाना पड़ रहा था। अब विद्यार्थियों को घरों से भोजन नहीं लाना पड़ेगा बल्कि उन्हें स्कूल में ही खाना उपलब्ध होगा। जिला ऊना में करीब 500 प्राइमरी व मिडिल स्कूल मौजूद हैं। इन सभी स्कूल्स में मिड डे मील पकाने से लेकर विद्यार्थियों को परोसने तक के लिए बाकायदा कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने के शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र, अब नहीं जाना पड़ेगा चंडीगढ़। सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारियां कर रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के यूपीएससी आवेदकों के लिए हिमाचल प्रदेश में इस बार 2 केंद्र बनाए। इसकी अधिसूचना जारी करते हुए 3 मार्च से आवेदन परीक्षा केंद्र बदलाव करने का अवसर भी दिया गया। जानकारी के मुताबिक सिविल सर्विसेज प्री और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज प्री की परीक्षा 5 जून को देश भर में संचालित की जाएगी। इससे पूर्व यूपीएससी की परीक्षा के लिए हिमाचल के अभ्यर्थियों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था। हिमाचल में 83 लोग कोरोना संक्रमित, 156 हुए ठीक। हिमाचल में धीरे धीरे एक्टिव केसेस कम होने लगे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं राहत की बात यह है कि किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। प्रदेश में 156 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज दिन तक कोरोना के 283,449 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 278,598 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 4,103 कोरोना संक्रमितों की जान गई, जबकि मौजूदा समय में 729 एक्टिव केस प्रदेश में रहे। इससे स्वास्थ्य विभाग ने आज 4,256 लोगों के कोरोना सैंपल जांच को लिए थे। 3 मार्च को कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली और पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इससे एक दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी विभाग के अध्यक्षों को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पैन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। सीएम जयराम बोले, शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिका तोड़ने पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला किन्नौर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिका को नहीं तोड़ा गया। जिन शरारती तत्वों ने 45 पट्टिकाओं को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन पट्टिकाओं को स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। सीएम ने कहा कि शरारती तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की शिकायतें आई हैं, उन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बजतरियों का मानदेय 100%, देवताओं का नजराना 33% बढ़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ के दौरान देव समाज के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बंजतरियों के मानदेय में 100% बढ़ोतरी की घोषणा की। अब तक के इतिहास में ये सबसे अधिक बढ़ोतरी है। देवताओं के राशन में 50% और देवताओं के नजराने में 33% बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी का शिवरात्रि महोत्सव हम सब उत्साह से मनाते हैं, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। कोविड का दौर भी इस बार चिंता में डाले हुए था। गोलाबारी के बीच रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में विद्यार्थियों ने पैदल तय किया 15 किलोमीटर का सफर। यूक्रेन के कीव से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के बाद अब खारकीव शहर से भी राहत भरी खबर सामने आई। यहां से 1,000 भारतीय विद्यार्थी खारकीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के बंकर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। खारकीव के समय अनुसार बुधवार तड़के 6 बजे 1,000 विद्यार्थी भारी गोलाबारी और बमबारी के बीच 15 किलोमीटर पैदल निकटवर्ती रेलवे स्टेशन में पहुंचे। इनमें हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के अंकुर, चंदेल और ऋषिता भी हैं। यहां से निकलने के लिए वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। 6 पीजी कोर्स के नतीजे घोषित, 3 मार्च से सेमेस्टर परीक्षाएं।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने 6 पीजी कोर्स के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए। जिन विद्यार्थियों की री अपीयर है उन्हें बिना परीक्षा फॉर्म भरे पिछले सेमेस्टर के रोल नंबर के आधार पर ही गुरुवार से शुरू हो रही पीजी के सेमेस्टर परीक्षाओं में अपीयर होने की छूट दे दी गई है। विश्वविद्यालय ने एलएलबी के पहले से पांचवें सेमेस्टर तक एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, भूगोल, एलएलएम जैसे कोर्स के परिणाम घोषित किए हैं। मंडी में देव महाकुंभ का आगाज, कमरूनाग देवता ने पहली बार तोड़ी परंपरा, देखिए तस्वीरें। देव आस्था का महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव बुधवार को शुरू हो गया। शिवरात्रि महोत्सव में पहली बार देव परंपरा टूटी। देव कमरूनाग टारना मंदिर की पहाड़ी से उतरकर कांगनी पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि संस्कृति सदन का उद्घाटन देवता करें। इसके बाद सर्व देवता समिति ने देवता से आज्ञा ली और वो सदन में पहुंचे। देवता कमरूनाग पहली बार टारना से स्थान छोड़कर संस्कृति सदन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए आराध्य देव कमरूनाग दो दिन पहले छोटी काशी पहुंचते हैं। महोत्सव के समापन तक टारना मंदिर में ही विराजमान रहते हैं। राज्यपाल अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज, विपक्ष ने किया वॉकआउट। बजट सत्र के दौरान सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से दिए जवाब से नाराज विपक्ष ने बुधवार को सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन से वॉकआउट करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया उनमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सदन में विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। फिर चाहे अवैध खनन का मामला हो या फिर शराब के ठेकों की नीलामी से जुड़ा हुआ विषय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि वो विपक्ष की मजबूरियों को जानते हैं कि किस कारण उनको वॉकआउट करना पड़ा। सीएम जयराम बोले, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी सुलझाएगी कर्मचारियों के मसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। कर्मचारी राजनेताओं की कठपुतली बनकर आंदोलन न करें। सरकार बातचीत से हर समस्या सुलझाना चाहती है। सरकार ने कर्मचारियों को समय समय पर लाभ दिए। सरकार प्रदेश में अब माफिया की संपत्ति अटैच करेगी। दाचा पहुंची बीआरओ की मशीनरी, हिमखंड हटाया। बर्फबारी को हटाने के लिए बीआरओ का काफिला बुधवार को मनाली लेह मार्ग के दारचा स्थित पुल के पास पहुंच गया। दारचा पुल के पास गिरे हिमखंड को भी बीआरओ ने साफ कर दिया। हालांकि पिछले हफ्ते तक बीआरओ ने मनाली लेह मार्ग से करीब 170 किलोमीटर के दायरे से बर्फ को हटा दिया था और मशीनरी पटसेव की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद हुई बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग को फिर से बंद कर दिया गया था। 3 साल में सड़क हादसे में हुई 3,174 लोगों की मौत। प्रदेश में 4,079 ब्लैक स्पॉट चिन्हित। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों में सड़क हादसों में 3,174 लोगों की मौत हुई। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने पुलिस व परिवहन के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए। 3 साल में 4,079 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए। इनमें से 74 ब्लैक, 1320 संवेदनशील और 2,685 संभावित ब्लैक स्पॉट शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी विधायक जगत सिंह नेगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा फंड में 2019-20 में 40 करोड़, 2020-21 में 40.15 करोड़, वर्ष 2021-22 में 50.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।